हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 11th का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक है मेरा थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे आज हम लोग। थर्मोडायनामिक्स के कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट स्टडी करेंगे, ठीक है। सिस्टम से रिलेटेड बातें होंगी, सराउंडिंग से रिलेटेड बात करेंगे और टाइप्स ऑफ सिस्टम से रिलेटेड बात करेंगे। मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये साइंस का अपने आप में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। साइंस ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है और साइंस इस पर बहुत बेसिकली डिपेंड करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम लोग साइंस से रिलेटेड बात करें तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, सर फिजिक्स में भी हम इसे स्टडी करते हैं और भी बहुत जगह हम हीट से रिलेटेड डिस्कशन किया करते हैं, ठीक है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी पढ़ी जाती है और केमिस्ट्री में भी पढ़ी जाती है। केमिस्ट्री में तो उस लेवल पर नहीं पढ़ते, क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल प्रोसेस की बात करते हैं और वहाँ पे हमारे बहुत सारे मैकेनिकल और फिजिकली रोटेशनल वाइब्रेशनल बहुत सारे इस तरीके के एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, तो वो सब हम वहाँ स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली केमिकल प्रोसेस की बात करेंगे, केमिकल चेंजेस की बात करेंगे। वो केमिकल चेंजेस या तो वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही होगी या हीट वहाँ पे रिलीज हो रही होगी, हम ये डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर मेरे से कोई पूछता कि सर व्हाट इज़ द थर्मोडायनामिक्स, तो मैं कहूँगा इट्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी चेंज। हम एनर्जी चेंज की बात कर रहे हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हीट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। और वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ही हम पूरे चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। पूरे चैप्टर में बस हीट को ही हमें माइग्रेट करना है, हीट को ही ट्रांसफर करना है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, और हम इस चैप्टर में कुछ ऐसा और भी स्पेशल्स नहीं करेंगे, ठीक है। आइए हम एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या था, वो मैंने क्लियर कर दिया। इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी चेंज, एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस हो सकता है जिसमें आप हीट ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं या हीट चेंज को स्टडी कर रहे हैं, ठीक। तो थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँ तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो हमारा हुआ करता है जीरोथ लॉ, ठीक है। एक तो हमारा हुआ करता है जीरोथ लॉ, एक हमारा हुआ करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और एक हमारा हुआ करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एक हमारा हुआ करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और एक हम लोग पढ़ा करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, और एक हम लोग इसके अंदर पढ़ा करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। तो साइंस की हम एक ऐसी ब्रांच की स्टडी कर रहे हैं जहां पे हम कोई भी हीट चेंज की बात करेंगे फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के लिए, और वहां पर हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। जीरोथ लॉ पढ़ते हैं एक लोग, हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, सेकेंड लॉ पढ़ते हैं, थर्ड लॉ पढ़ते हैं, और हम लोग पढ़ते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो थर्मोकेमिस्ट्री बेसिकली आपके एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ हुआ करते हैं, और हम लोग यहाँ पर केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस की बातें करते हैं, और केमिकल चेंजेस, केमिकल फॉर्मेशंस, जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशंस की हम लोग यहाँ बात करेंगे, हीट ऑफ कन्वेंशंस की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, हीट ऑफ रिएक्शंस की हम लोग बात करेंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस की बात करेंगे, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल की बात करेंगे। तो बहुत तरीके की हीट चेंजेस का डिस्कशन थर्मोकेमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। चलिए, ये चीज क्लियर हो गई कि थर्मोडायनामिक्स क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री क्या है। इज द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इज द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। हम थर्मोडायनामिक्स की वो अब ब्रांच स्टडी करें जहां पर हम हीट चेंज करेंगे वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एनी केमिकल प्रोसेस। ओनली केमिकल प्रोसेस के लिए हीट चेंज की बात करेंगे तो वो थर्मोकेमिस्ट्री का होगा, और अगर हम कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस की बात करेंगे तो वो हमारे थर्मोडायनामिक्स का पार्ट होगा, ठीक है। आइए जरा थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आखिरकार फ़ायदा क्या है, थर्मोडायनामिक्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं,
क्या आवश्यकता और क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। तो देखिए, ये मैंने आपसे कहा था कि भाई साइंस की अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता है, हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। वांटॉफ लॉ को इससे हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। फेस रूल हम प्रूफ कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ होता है, हम उसे प्रूफ कर सकते हैं थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट से। और हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पता कर सकते हैं कि प्रोसेस होंगे या नहीं होंगे, ये जानकारी भी हम थर्मो डायनामिक्स के बेसिस पे कर सकते हैं। तीसरा, हम ये भी पता कर सकते हैं कि अगर हमारे प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम अगर हमारे कांस्टेंट हैं, तो हीट ट्रांसफॉर्मेशंस के कैसे प्रोसेस होंगे और वो कैसे होंगे, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें हम लोग पता कर सकते हैं। स्पॉन्टेनिटी अपने आप में एक गजब कॉन्सेप्ट है, जिससे हम ये पता करते हैं कि रिएक्शंस होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या स्टडी करने वाले, जो हमारे लिमिटेशंस हैं, कि ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के लिए काम कर रहे हैं, बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। हम किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं यहाँ पे हीट ट्रांसफॉर्मेशन या हीट चेंजेस की बातें करेंगे, बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स की करेंगे। ये एक लिमिटेशन है। कोई आपसे कहे कि क्या हम सिंगल मॉलिक्यूल्स के हीट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, आप कह देंगे नहीं करेंगे सर, ओनली बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स हों, बहुत ज़्यादा हों, एक्सेस में हों, उनके लिए ही थर्मो के कॉन्सेप्ट लागू होंगे हमारे। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि यहाँ पे ये जो भी लॉज होते हैं, वो केवल आपको आपको केवल ये बताते हैं, डायरेक्शंस बताते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताते कि वो किस रेट से प्रोसेस होंगे। रिएक्शंस के रेट की यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशंस मिलती, कोई भी इन्फॉर्मेशंस आपको नहीं मिलती, केवल आपको डायरेक्शंस तो मालूम पड़ सकते हैं, लेकिन रेट का हम यहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं कर सकते। चलिए, बेसिक फंडामेंटल्स थर्मो का समझने के लिए पहले हमें कुछ चीज़ें आनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें आनी चाहिए थर्मो से रिलेटेड, तभी हम थर्मो के बारे में कुछ जान पाएंगे, ठीक है, ओके। चलिए आइए शुरू करते हैं, थर्मो से रिलेटेड क्या क्या बातें हम लोग करना चाहते हैं, ठीक है, ओके। चलिए देखिए, मैं डेफिनेशन सबकी आपको बताऊंगा, सबकी आपको मिलेगी पीडीएफ की फॉर्म में, आप परेशान ना है। देखिए, ठीक है, आप यूनिवर्स का कोई भी एक पार्ट ले लीजिएगा, यूनिवर्स का कोई भी एक पार्ट ले लीजिएगा, वो इमेजिनरी हो सकता है, रियल पार्ट हो सकता है, जिस पर आप स्टडी कर रहे हैं, हीट ट्रांसफॉर्मेशन, हीट चेंजेस की बातें कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स का कोई भी एक स्मॉल पार्ट, कोई भी एक पार्ट जो आपने ऑब्जर्वेशंस के लिए फिक्स कर दिया है, उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं उसको? हम लोग सिस्टम कहते हैं। और रेस्ट पार्ट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज द रेस्ट पार्ट, और रेस्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड इज सराउंडिंग, ठीक है। सिस्टम और रेस्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग, और सिस्टम और सराउंडिंग से मिलके हमारा तैयार होता है एक यूनिवर्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है और यूनिवर्स क्या है। तो हम यहाँ पे ये लिख भी सकते हैं कि यूनिवर्स इज इक्वल्स टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग आपका किसके इक्वल हुआ करता है? यूनिवर्स के। एक चीज आ गई हमारे पास, ठीक है, यूनिवर्स का कोई भी एक ऐसा रियल या इमेजिनरी पार्ट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, हीट ट्रांसफॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं या हीट चेंजेस को स्टडी कर रहे हैं, वो हमारे सिस्टम है। वो कुछ भी हो सकता है, आपका रूम हो सकता है, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं वो एक सिस्टम हो सकता है, और रूम के बाहर जितना भी पार्ट है वो सब आपका सराउंडिंग हो सकता है। समझ में आता है? आप जिस जगह बैठे हैं, आप जिस रूम में बैठे हैं, वो सिस्टम हो सकता है, और सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट है वो आपका सराउंडिंग होगा। और हम पूरे चैप्टर में बेटा, पूरे चैप्टर में हम यहाँ पे यही स्टडी करेंगे, हीट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम टू सराउंडिंग और हीट ट्रांसफॉर्मेशन सराउंडिंग टू सिस्टम। फिर सुन लीजिएगा, पूरे चैप्टर में हम हीट ऑफ फ्लो जो स्टडी करने वाले हैं, हीट के मोशन जो स्टडी करने वाले हैं, सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम, यही हीट ऑफ माइग्रेशंस हम लोग स्टडी करेंगे, हीट ऑफ फ्लो को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक चीज क्लियर होगी, व्हाट इज द सिस्टम, व्हाट इज द सराउंडिंग, रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, और यू सिस्टम प्लस सराउंडिंग दैट इज यूनिवर्स, ठीक है। तो सब कुछ लगभग हमारा क्लियर हो चुका है। मैं आपको क्लियर कर दूं एक और चीज, कि जो पार्ट आपको सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करता है, जो पार्ट आपके सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, डेट इज बाउंड्री, इसी को हम लोग बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला जो भी पार्ट है, जो भी एक रियल या इमेजिनरी हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है, उसी को हम लोग बाउंड्री कहते हैं।
बाउंड्री आपके रिजिड और नॉन रिजिड भी हो सकते हैं, बाउंड्री आपके कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग भी हो सकते हैं, और बाउंड्री आपके इमेजिनरी या रियल भी हो सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। प्लीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये सारी की सारी आपकी बेसिक चीज़ें हैं। वॉट इज सिस्टम, वॉट इज सराउंडिंग, वॉट इज बाउंड्री, वॉट इज यूनिवर्स, ठीक है। और हम कर क्या रहे हैं, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम। आइए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर हीट ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं या हीट का फ्लो होता है या हीट चेंजेस होते हैं तो सिस्टम में ही चेंजेस आएंगे, सराउंडिंग में कभी चेंज नहीं आएंगे। मैं आपको बहुत क्लियर बात बता देता हूँ कि जब भी आपको चेंजेस दिखाई देंगे वो सिस्टम को दिखाई देंगे। आपके मीन्स आप जिस रूम में बैठे हैं वहाँ पे तो दिखाई देंगे, लेकिन बाहर आपको कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। आप कितनी भी हीट आप सराउंडिंग को दे आइए या कितनी भी हीट सराउंडिंग से ले आइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। जो भी कुछ फ़र्क पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा बेटा, सिस्टम पे फ़र्क पड़ेगा सर, सराउंडिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर, कोई भी इफेक्ट नहीं आएंगे। जो भी इफेक्ट आएंगे सिस्टम पर आएंगे। वाय कैसे, आइए मैं एक चीज़ बता दूँ। आप जिस रूम में बैठे हुए आप सोच लीजिएगा, गर्मी पड़ती है बहुत सारी, आपने सोचा कि चलिए सर यहाँ पे कुछ एसी लगा देते हैं, एक नहीं चार चार लगा देते हैं। जब चार एसी आप चलाते हैं, बाकायदा प्रॉपर कूलिंग करते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ आप वहाँ नहीं बैठेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कूलिंग हो जाएगी। और कूलिंग इतनी हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हीट आपको मिल जाएगी, आप वहाँ बैठना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिस्टम आपका ठंडा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कूलिंग हो जाएगी, आप वहाँ बैठना पसंद नहीं करेंगे। तो चेंज हुआ सिस्टम, लेकिन आप सोचते हो कि सर हम जिस सिटी में रहते हैं और वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ रही है तो पूरे सिटी में एसी लगवा दें, तो ऐसा होगा क्या कि पूरे सिटी में ठंडक हो जाएगी? नहीं होगी। अगर चेंजेस होंगे तो रूम में तो दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप बाहर लगाते हैं, पूरे सिटी में अगर एसी लगाते हैं तो कोई चेंजेस आपको दिखाई नहीं देंगे। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि जब भी आप हीट लेकर जाओगे तो भी सिस्टम पर फ़र्क पड़ना है, हीट दोगे तो भी सिस्टम को फ़र्क पड़ना है, सराउंडिंग पर कोई फ़र्क नहीं है। कितनी भी हीट दे आइए या कितनी भी हीट आप सराउंडिंग से ले आइए। ओके ओके, फटाफट पहले से नोट कर लीजिएगा, सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स और बाउंड्री। फिर मैं आप आगे बात करता हूँ आप लोगों से। तो आइए, हमारी बातें हो गई सिस्टम से रिलेटेड, बातें हो गई सराउंडिंग से रिलेटेड, बातें हो गई बाउंड्री हो गई, यूनिवर्स हो गया। और मैं ये क्लियर कर चुका हूँ कि हम यहाँ पे सर हीट फ्लो स्टडी कर रहे हैं, सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स। तो आइए, हमने जो बेसिक्स टूल्स थे हमारे, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, यूनिवर्स क्या है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये हमारी चर्चा हो गई, ठीक है। ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट आने चाहिए थर्मो को पढ़ने के लिए। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम्स की, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स की बात करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिस्टम, अगर टाइप्स ऑफ सिस्टम्स की बात करूं तो तीन टाइप के सिस्टम मेरे पास हुआ करते हैं। एक तो हमारा हुआ करता है ओपन सिस्टम, ठीक है मेरे बच्चे, एक तो हमारा हुआ करता है ओपन सिस्टम, एक हमारा हुआ करता है क्लोज सिस्टम, और एक हमारे पास हुआ करता है आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये तीन सिस्टम्स हमारे पास हुआ करते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम्स। आइए हम तीनों की वन बाई वन बातें कर लेते हैं, ठीक है, तीनों को वन बाई वन एक्सप्लेन कर लेते हैं। आइए मैं ये तो आप समझ ही रहे हैं कि सिस्टम सराउंडिंग, और ये भी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी कि कहाँ पे चेंजेस होंगे और कहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। आइए, ये एक सिस्टम है और ये उसका सराउंडिंग है, और इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्स, ठीक है। दिस इज सिस्टम, दिस इज सराउंडिंग, ओके। चलिए फिर मैं एक और बनाता हूँ, दिस इज द सिस्टम, दिस इज द सराउंडिंग, दिस इज द यूनिवर्स, ओके। फिर मैं एक और बनाता हूँ आपके लिए, दिस इज द सिस्टम, दिस इज द सराउंडिंग, ओके एंड दिस इज द यूनिवर्स, ठीक है, ठीक है। आइए हम लोग बहुत सिंपल भाषा में बोलते हैं, सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एंड मास बोथ विद द सराउंडिंग, सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एंड मास बोथ विद द सराउंडिंग, दैट इज ओपन सिस्टम, इसे हम लोग ओपन कहेंगे। सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी नॉट मास बोथ विद द सराउंडिंग, दैट इज क्लोज सिस्टम, इसे हम लोग क्लोज सिस्टम्स कह रहे हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्लोज सिस्टम्स कह रहे हैं। एंड एनर्जी
system which can not exchange heat like energy and mass both with the surrounding, that is isolated, that is आइसोलेटेड सिस्टम, हम इसको आइसोलेटेड सिस्टम्स कह रहे हैं। या आप सिंपली समझ सकते हैं कि अगर मेरे सिस्टम्स के थ्रू, मैं ये बात क्लियर कर चुका था कि जो भी इफेक्टेड होंगे वो सिस्टम्स पे होंगे, सराउंडिंग में कभी नहीं होंगे, लेकिन अगर सिस्टम्स से हीट और मास दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है तो मैं कहूँगा सर वो ओपन सिस्टम्स होंगे। अगर ओनली हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो मैं कहूँगा डैट इज वो सर क्लोज सिस्टम्स होंगे मेरे। और अगर सराउंडिंग के साथ सिस्टम से ना तो हीट का कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ना ही मास का कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब मैं उसे सिंपली कहूँगा कि वो आइसोलेटेड सिस्टम्स होंगे। अगर हम ओपन सिस्टम्स की बात करें तो हॉट वाटर इन ओपन वेजल, ठीक है, ये एक हमारा ओपन सिस्टम्स होगा। ऑल लिविंग ह्यूमन जो बॉडीज़ हैं वो सारी की सारी ओपन सिस्टम्स होंगी। और अगर मैं बात करूँ क्लोज सिस्टम्स की, तो हॉट टी इन ए कप, हम ये कह सकते हैं तो टी होगी वो थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाएगी बिकॉज हीट ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आइसोलेटेड सिस्टम्स की बात करें तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कॉफ़ी लाइक टी इन एक फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क जो होता है, लेकिन 100% वो भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि 100% आइसोलेटेड कुछ बन नहीं सकता। आपने देखा होगा कि जो आपके फ्लास्क होते हैं, अगर वो 100% आइसोलेटेड होते तो जो आपने टी आज आपने सुबह उसके अंदर डाली है तो वो मुझे लग रहा है 10 साल बाद भी गर्म निकलनी चाहिए थी अगर वो 100% आइसोलेटेड होता। लेकिन 100% आइसोलेटेड तो होता नहीं है। आपने जो सुबह टी डाली है वो तो आपने देखा होगा कि शाम को ही ठंडी हो जाती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, थर्मोकेमिस्ट्री क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, दूसरा सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, यूनिवर्स क्या है, और टाइप्स ऑफ सिस्टम्स की मैंने चर्चा करी थी आज। सारी बेसिक चीज़ें हैं, पढ़िएगा, मैं सारी डेफिनेशंस अटैच करके दूंगा, आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं वहाँ पीडीएफ से। प्लस एक और बात मैं बोल दूँ, अगला जो मेरा वीडियो होगा वो हमारा होगा स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड। थर्मो हम आपका अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी आप कॉम्पिटिशन देने जाते हैं जा रहे हैं तो वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आपको मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। थैंक यू।